सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं दिलीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष। आज किस तरह से आप लोग रैली निकाले हैं, क्या है इसका मकसद रैली का? ये अपने केंद्र की जो लोकप्रिय सरकार है उसके 9 वर्ष पूर्ण होने पर यह एक महीने का महाजनसंपर्क अभियान से विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत आज एक विशाल किसान मोर्चे द्वारा विशाल बाइक जुलूस निकाली गई थी, बाइक रैली, जिसमें यह 3 विधानसभाओं से होकर के यह अभी बाइक रैली यहाँ पर पहुँची है और यहाँ से फिर बाइक रैली आगे की तरफ जाएगी, जा करके एक चौपाल के रूप में इसका समापन होगा। तो क्या इसको 2024 के चुनाव के उसमें मद्देनज़र इसको देखा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही कोई चुनाव समाप्त होता है दूसरे चुनाव के लिए लग जाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज में प्रत्येक वर्ग से बराबर संपर्क में रहता है। हाँ, 2024 का चुनाव नज़दीक जरूर है, लेकिन ये अभियान कार्यक्रम भाजपा चलाती रहती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जन जन से संपर्क करने के लिए किसान मोर्चे का ये बाइक रैली निकली है। इस रैली से जनता को क्या संदेश जाएगा? इस रैली से जनता, चूँकि यह रैली निकाल करके बाइक रैली के साथ जनता के बीच में चौपाल करनी है, तो चौपाल के माध्यम से जो किसान भाइयों के लिए हमारी केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसको अवगत कराना है कि हमारी केंद्र की सरकार क्या 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 काम की है किसान भाइयों के लिए, उसके बीच में चर्चा करनी है किसान भाइयों। अगर बात किया जाए कि 8 विधानसभा में एक जनसभा भी होना है, इसको लेकर के कब तैयारियां हैं और इसका कब डेट निर्धारित किया गया? नहीं, प्रत्येक लोकसभा में एक जनसभा होनी है, तो प्रत्येक लोकसभा में जो जनसभा होनी है उसमें हमारे वाराणसी लोकसभा का जो जनसभा है वह 26 जून को है, जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रस्तावित है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभाओं में 80 जनसभाएं होंगी। तो क्या उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा में होंगे? हाँ, अभी तक जो हम लोगों के पास सूचना है, प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी सूचना है। 27 तारीख को भी ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हाँ, बिल्कुल, 27 जून को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल हैं, प्रत्येक मंडलों पर LED के माध्यम से लगभग 2500 लोगों को सुनने का एक कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से आई है और कार्यकर्ता मंडल स्तर पर इसकी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए।